उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो ये प्राथमिकता रहेगी। टाइमली कम्प्लीशन, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का कार्य हो ये प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त हर एक क्षेत्र की अपने कुछ कुछ अलग डिमांड्स होती हैं, अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनका आकलन करते हुए जो भी अपना जिले के विकास के लिए और लोगों को लाभ देने के लिए, राहत देने के लिए जो भी इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए अपनी सरकारी योजनाएं हैं उसका लोगों को लाभ देना और बाय एंड लार्ज किस तरह से जिले का विकास हो उसके लिए मेरा ध्यान रहेगा। इसके लिए वही अपना जो SDMs और PhD के अधिकारियों के साथ वार्ता करते हुए एक बार जो भी अपनी आज की स्थिति है उसका आकलन करके जो भी अपने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किस तरह से हम और रिसोर्सेज को पूर्ण करके लोगों को बेहतर से बेहतर पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं इस पर मेरा ध्यान रहेगा। कि इसके लिए भी निर्देश जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो यही है कि टाइमली वो लोग कैंप्स में पहुँचे और बाय एंड लार्ज जो उनका कैंप का उद्देश्य है इसमें 15 विभाग भी शामिल हैं और इसके साथ जो हमारे रेवेन्यू के पुराने केसेस हैं इसके अलावा नए जितने भी राजस्व के रिलेटेड मैटर्स आते हैं उसका निस्तारण हो। तो इसके लिए यही अपने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि टाइमली पहुँचें और जो भी नियमानुसार होने योग्य कार्य हो उसको समय से समाप्त करें और लोगों को उद्देश्य जो इस कैंप का है कि लोगों को लाभ दें, लोगों को सुविधा दें, उसका वो एक्चुअली मैं उसकी पालना की जाए। थैंक यू।